नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा तिवारी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको ले चलने वाली हूँ नागों के भगवान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर। ये ज्योतिर्लिंग द्वारका शहर में है और भेट द्वारका जाने वाले रास्ते पर पड़ता है। द्वारका भारत के चार धामों में से एक है और गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपको घुमाते हैं जी भर के। तो चलो जी भर घूमो हमारे साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि द्वारका तक पहुँचा कैसे जाए। देश के हर बड़े शहर से यहाँ के लिए ट्रेनें नहीं चलती हैं, लेकिन एक डायरेक्ट ट्रेन चलती है जिसका नाम है उत्तरांचल स्पेशल, जिसका नंबर है 09566। ये देहरादून से चलकर हरिद्वार, मेरठ, गाजियाबाद, नई दिल्ली, जयपुर, राजकोट होते हुए द्वारका पहुँचती है। ये ट्रेन रविवार को सुबह 5:30 बजे देहरादून से चलती है और अगले दिन दोपहर 1 बजे द्वारका पहुँचा देती है। इसमें स्लीपर क्लास का किराया करीब 600 रुपये, थर्ड एसी का किराया 1550 रुपये, सेकेंड एसी का किराया 2200 रुपये पड़ता है। इसके अलावा आप राजकोट या अहमदाबाद, जहां के लिए भी आपको ट्रेन मिले आप वहां आ जाइए। इन दोनों ही जगहों से द्वारका के लिए आपको रोजाना ट्रेनें मिल जाएंगी। द्वारका का करीबी एयरपोर्ट 130 किलोमीटर दूर जामनगर में है, जो देश के सभी बड़े शहरों से जुड़ा है। दिल्ली से जामनगर तक की फ्लाइट 4500 रुपये के आसपास की पड़ती है। इसके अलावा आप पोरबंदर या राजकोट एयरपोर्ट भी आ सकते हैं। एयरपोर्ट के बाहर से बस, कैब, किराए की टैक्सियां मिल जाएंगी। इसके अलावा अहमदाबाद और जामनगर से सीधी बस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए मिल जाएगी। द्वारका से नागेश्वर की जो दूरी है वो करीब 16 किलोमीटर की है। अब बात कर लेते हैं कि रुकना कहाँ है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी हो, कुछ जानकारी चाहिए हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर आकर हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको वहाँ पर हम रिप्लाई देंगे, फुल इन्फॉर्मेशन देंगे, जो भी आपको जानना है तो आप कभी भी वहाँ पर जो भी पूछना हो पूछ सकते हैं। द्वारका में रुकने के लिए धर्मशालाएं और होटल दोनों मिल जाते हैं। होटल आपको 500 रुपये से लेकर अपने बजट तक के मिल जाएंगे। यहाँ खाने की बहुत ज़्यादा वैरायटी तो नहीं है और ना ही यहाँ ज़्यादा रेस्टोरेंट है, लेकिन यहाँ आपको हर जगह गुजराती खाने की थाली जरूर मिल जाती है। थाली में रोटी, दाल, कड़ी चावल और सब्जी होती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे और शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि उत्तराखंड में अल्मोड़ा में पड़ने वाले जागेश्वर धाम के शिवलिंग को भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग माना जाता है। फिलहाल अब बात करते हैं कि यहाँ घूमने वाला क्या क्या है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को द्वारका बने के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आप भगवान शिव की 25 मीटर लंबी एक बैठी हुई मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका चार धामों में से एक है, तो यहाँ आप सबसे पहले तो द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप इन जगहों पर घूमने जा सकते हैं, जैसे रुक्मणी देवी मंदिर, गोपी तालाब, लाइट हाउस, सुदामा सेतु पुल, समुद्र के किनारे बने स्वामी नारायण मंदिर, करीब 5000 साल पुराना भड़केश्वर महादेव मंदिर, ये मंदिर हर साल मानसून में समुद्र में डूब जाता है, गोमती घाट, शास्त्रों की माने तो गंगा के बाद केवल गोमती ही ऐसी नदी है जो सीधे स्वर्ग से उतरती है, बेट द्वारका, द्वारका से करीब 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा द्वीप है। ओका पोर्ट से बेट द्वारका तक आपको फेरी बोट के द्वारा जाना होता है। अरब सागर के तट पर द्वारका भी शाम को समय बिताने के लिए एक अच्छी जगह है। चलो अब बजट जान लेते हैं कि अगर दिल्ली से दो लोग आते हैं तो खर्चा आपका किस तरह होगा। तो देख लीजिए, ट्रेन का किराया 600 × 4 = 2400 रुपये, होटल का 500 रुपये, खाने पीने का खर्चा करीब 800 रुपये और आसपास घूमने का खर्चा करीब 900 रुपये। तो दो लोगों का 2 दिन और 1 रात का खर्चा पड़ेगा करीब 4600 रुपये। पर पर्सन आप मात्र 2300 रुपये करके भारत के एक धाम और ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर सकते हैं। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।